जय हिंद दोस्तों, आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो ऋण पत्रों का निर्गमन हम लोग पढ़ रहे हैं, ऋण पत्रों के निर्गमन का प्रश्न संख्या 3 बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने प्रश्न हमने लिख दिया है पहले से। क्या कह रहा है? एके लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4,007% ऋण पत्र निर्गमित किए, आवेदन 20 रुपया, आवंटन 40 रुपया, प्रथम याचना 25 रुपया, शेष अंतिम याचना। मतलब कि कंपनी का नाम है एके लिमिटेड, 100 रुपये वाले 4,000 ऋण पत्रों का निर्गमन कर रही है, आवेदन 20 रुपया मांग रही है, आवंटन 40 रुपया मांग रही है, प्रथम याचना 25, जो बच रहा है अंतिम याचना। प्रश्न में आगे क्या कहा गया है? सभी ऋण पत्र खरीद लिए गए, सभी ऋण पत्रों पर सभी राशियां प्राप्त हो गईं, आपको जर्नल एंट्री करनी है। पहली कंडीशन में जर्नल एंट्री करनी है और दूसरी कंडीशन में आपको कह रहा है जर्नल एंट्री करते हुए आप खाता बही मतलब कैशबुक भी बनाइए। तो हम इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले वर्किंग नोट छोटा सा कर लेते हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिए वर्किंग नोट। क्या होगा? कंपनी ने 100 रुपये वाले 4,000, 100 रुपये वाले 4,000 7% डिवेंचर इशू किए हैं कंपनी ने। आगे क्या कह रहा है? आवेदन 20 रुपया है, आवेदन को एप्लीकेशन बोलते हैं 20 रुपया, आवंटन 40 रुपया बोला गया है, अलॉटमेंट 40 रुपया बोला गया है, फर्स्ट कॉल 25 रुपया बोला गया है। कह रहा है जो शेष बचेगा अंतिम याचना, शेष बचेगा फाइनल कॉल, टोटल 100 रुपया होना चाहिए, आवेदन का 20 रुपया, आवंटन का 40 रुपया, प्रथम याचना का 25 रुपया, 100 रुपये का ऋण पत्र है तो जोड़ेंगे तो टोटल 100 होना चाहिए। 100 में 40, 20, 60, 20, 80, 5, 85, 85 दिया है, जो शेष बच रहा है 15 रुपया, 15 रुपया जो बैलेंस बच रहा है वो हमारा फाइनल कॉल होगा। इसके लिए क्या करेंगे? 4,000 से गुणा कर दीजिए कुल, 4 × 2 = 8, 80,000 आवेदन पे आया है पैसा, 4,000 से गुणा कर दीजिए, 1,60,000 आवंटन पे आया है, 4,000 से गुणा कर दीजिए, 2,500 × 100, 1,00,000 आएगा। अगला 4,000 से गुणा कर दीजिए, 15 × 60, 60,000 आएगा। ध्यान दीजिएगा, केवल गुणा ही करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। तो ध्यान देना है आपको, पहली एंट्री करना है। पहली कंडीशन कह रहा है, जब जर्नल लेखा करना हो, मतलब कि जब कंपनी केवल जर्नल लेखा करेगी तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉलम बनाना होगा, जर्नल, थोड़ा ऊपर बनाते हैं कॉलम, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एके लिमिटेड। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एके लिमिटेड, मतलब कि एके लिमिटेड की पुस्तकों में आप जर्नल एंट्री कर दीजिए। पहली कंडीशन पर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। कॉलम वही बनेगा 5, हमने 5 कॉलम बना लिए। कॉलम बनेगा डेट का, दूसरा पार्टिकुलर का,
तीसरा लेजर फोलियो का, चौथा डेबिट अमाउंट का, पांचवा क्रेडिट अमाउंट का। ध्यान दीजिएगा, पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन की, आवेदन की। पहली एंट्री होती है आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 80,000 एप्लीकेशन पे आया है, 80,000 डेबिट कर दीजिए और 80,000 क्रेडिट कर दीजिए। नरेशन आप लोग कर लीजिए, बीइंग 10% ओ बीइंग 7% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन बीइंग 7% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री करेंगे, आवेदन का जो पैसा होता है उसको ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित किया जाता है। 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग 7% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। तो वही 80,000 रुपया डेबिट में लिख दीजिए, वही 80,000 रुपया क्रेडिट में लिख दीजिए। अब आते हैं दूसरे टॉपिक, दूसरे नंबर पे अलॉटमेंट की एंट्रियां होंगी। अब आवंटन की राशि मांगी जाएगी, जब आवंटन की राशि मांगी जाएगी तो एंट्री क्या करेंगे, 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग 7% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। 1,60,000 डेबिट में और 1,60,000 क्रेडिट में, यहाँ पर कॉमा करते चलिएगा आप लोग। उसके बाद ड्यू किया हमने अलॉटमेंट का पैसा, अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो कंपनी को मिलेगा, तो कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा, 1,60,000 डेबिट में और 1,60,000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग 7% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की, 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओ टू 7% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट। 1,00,000 रुपया डेबिट में और 1,00,000 रुपया क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ध्यान दीजिएगा, जैसे अलॉटमेंट हुआ है वैसे फर्स्ट कॉल होगा। ये आपकी पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, पांचवी एंट्री, छठी एंट्री पैसा मांगा जाएगा। पांचवी एंट्री में पैसा मांगा गया है, अब छठी एंट्री में रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, वही 1,00,000 मिलेगा, 1,00,000 डेबिट में और 1,00,000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सातवीं एंट्री अब होगा फाइनल कॉल का, 7% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। 60,000 रुपया कंपनी मांगेगी, कंपनी को 60,000 मिल जाएगा,
बाद में मिलेगा अभी। डेबिट क्रेडिट में दोनों में पैसा आप दिखाइए। नरेशन होगा बीइंग डिवेंचर फाइनल कॉल मनी ड्यू। आठवीं एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग डिवेंचर 7% बीइंग 7% डिवेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 60,000 डेबिट में और 60,000 क्रेडिट में। ये आपका था पहला, जब कंपनी केवल जर्नल एंट्री करे तब क्या करेंगे हम, तब केवल आप जर्नल एंट्री कर देंगे। दूसरी कंडीशन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है जब जर्नल एंट्री के साथ कैश बुक भी बनाया जाए तब क्या होगा। तो देखिए जर्नल एंट्री करते समय आप यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 8 लाख। 8 लाख कैसे, 4,000 का गुणा 100 से करेंगे 4 लाख, दो दो बार सब लिखा गया है 8 लाख। यहाँ पर लिखा जाएगा ग्राउंड टोटल। अब दूसरी बार आपको क्या करना है, दूसरी बार इसी प्रश्न में आपको बताना है कि कैश बुक जर्नल, जब जर्नल एंट्री के साथ कैश बुक भी बनाना हो तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको इरेज कर देते हैं, वीडियो को रोककर आप लोग लिख लीजिए। हम फिर से चलते हैं अपने मिशन की ओर। अब यहां पर आपको लिखना है जब जर्नल के साथ जर्नल लेखा के साथ रोकड़ बही यानी कि कैश बुक भी क्वेश्चन में बनाने के लिए कह दे तब क्या जर्नल एंट्री होगी, तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एके लिमिटेड LTD कॉलम बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा आपको यहां पर कॉलम बनाना है। कॉलम कौन कौन से बनेंगे, जर्नल एंट्री का ही कॉलम बनाइए पहले, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट का अमाउंट लिखा जाएगा और क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाएगा। साथियों आपको ध्यान देना है एक कैश बुक का कॉलम बनाना पड़ेगा, तो कैश बुक का भी कॉलम बनाइए। हम यहां पर नीचे बना लेते हैं कैश बुक का कॉलम छोटा सा। कैश बुक का कॉलम बना रहे हैं, फिर से अमाउंट पर्टिकुलर यह लेजर फोलियो JF डेट अमाउंट पहला बनेगा डेट का, दूसरा बनेगा पार्टी कूलर का, तीसरा बनेगा JF का, चौथा बनेगा अमाउंट का। बायां पक्ष डेबिट होता है डेट का, पार्टिकुलर का, JF का, ये होता है अमाउंट हमारा क्रेडिट का। देखिए आप लोग कैसे आपको समझना है, यहाँ पर कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो कैश बुक होता है इसे बैंक बुक भी कहते हैं, कैश बुक या बैंक बुक। जब जर्नल के साथ रोकड़ वही बनाने के लिए कह दे तो जर्नल एंट्री वाले कॉलम में
बैंक वाली एंट्री यानी कैश वाली एंट्री ना करके उसका लेखा हम डायरेक्ट कैश बुक में करते हैं। जैसे पहली एंट्री हमारी थी आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, पहली एंट्री हमारी थी आवेदन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही एंट्री थी हमारी 80,000 रुपये से। तो हमने कहा जब जर्नल के साथ लीजर बनाने के लिए कह दे तो बैंक वाली एंट्री जर्नल में नहीं की जाएगी, उसका लेखा कहाँ किया जाएगा, उसके लिए कैश बुक बना दीजिए बस आप। तो कैश बुक या बैंक बुक एक ही होता है, यहाँ बैंक बुक भी लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाने के लिए लेजर बनाने के लिए क्या करते हैं, बैंक डेबिट में है तो डेबिट में लिखते हैं लेकिन क्रेडिट वाले का नाम लिखते हैं, बैंक डेबिट में है तो डेबिट में लिखते हैं लेकिन क्रेडिट वाले का नाम लिखते हैं टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है 80,000 रुपया डेबिट में आपने लिख दिया, पहली एंट्री यहां हो गई ना, बैंक वाली एंट्री यहां होगी। लेकिन जो दूसरी एंट्री होती थी 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट कितना 80,000 डेबिट में और 80,000 क्रेडिट में, मतलब कि जहां बैंक वाली एंट्री होगी वहां पर उसको कैश बुक में डाल देंगे और जो दूसरी एंट्री है जहां बैंक नहीं है तो उसको कुछ नहीं करेंगे। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। तीसरी नंबर एंट्री आपकी होती थी अलॉटमेंट 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा देखो 1,60,000 है, 1,60,000 डेबिट में और 1,60,000 क्रेडिट में कर दिया हमने। लेकिन चौथी एंट्री क्या होती थी, चौथी एंट्री होती थी अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट होता था। तो देखो बैंक डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे लेकिन क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे, लिखा जाएगा दूसरा टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 1,60,000 है तो 1,60,000 डेबिट में कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं चौथी एंट्री हो गई, चौथी एंट्री हुई है पहली बैंक वाली थी, दूसरी बिना बैंक की थी, तीसरी बिना बैंक की थी, चौथी बैंक वाली थी। अब पांचवी एंट्री होगी डिबेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाएगा 7% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट। नरेशन होगा, नरेशन वही होगा जो पिछले उसमें किए हैं 7% डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। पांचवी एंट्री तो हो गई, लेकिन छठवीं एंट्री क्या होगी, छठवीं एंट्री बैंक वाली है, जो बैंक वाली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। देखो बैंक डेबिट में है, डेबिट में लिखेंगे लेकिन पड़ोसी वाले का नाम लिखेंगे, लिखा जाएगा टू 7% डिबेंचर फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉल का पैसा 1,00,000 है, 1,00,000 दिखा दीजिए, यहाँ भी डेबिट में 1,00,000 और क्रेडिट में 1,00,000 दिखा देंगे। छठी एंट्री हो गई, अब सातवीं एंट्री होगी, सातवीं एंट्री होगी क्या, फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाएगा 7% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट। नरेशन होगा बींग 7% डिबेंचर फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो अब सातवीं एंट्री होगी, आठवीं एंट्री में बैंक आ रहा है तो आठवीं एंट्री में से बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर फाइनल कॉल हो जाएगा, तो फाइनल कॉल क्रेडिट में है, देखो बैंक डेबिट में, डेबिट में लेकिन टू 7% डिबेंचर फाइनल कॉल लिख दीजिए, कितना है 60,000 रुपया। मित्रों
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए, जो बैंक वाली एंट्री हम लोग करते थे उसका लेखा यही कैशबुक में कर दिया, बाकी सब एंट्री वहीं पर करेंगे जहां पर हम लोग किया करते थे, 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसी दृष्टि से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जोड़ लेते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 3,20,000, 4,00,000 आएगा डेबिट में कर दीजिए और 4,00,000 क्रेडिट में कर दीजिए। दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए लिखा जाता है बाय बैलेंस कैरी डाउन, आगे ले जाया गया 4,00,000 रुपया। यहीं पर आपका तीसरा नंबर प्रश्न समाप्त होता है, यहीं पर आपका तीसरा नंबर प्रश्न समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस वीडियो में इतना ही, आगे चौथा नंबर प्रश्न अगली वीडियो में लेकर आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सभी छात्र छात्राओं को ऋण पत्रों के निर्गमन का चौथा नंबर प्रश्न बताने जा रहे हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने हमने लिख दिया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्रश्न, जेके लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,000 6% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। आवेदन 25 रुपया है, आवंटन पर प्रीमियम सहित यहाँ पर शेष रहेगा, जो शेष है, जो शेष 25 के अलावा पैसा है आवंटन पर प्रीमियम सहित मांगा जा रहा है। कह रहे हैं अंशों के निर्गमन पर 1200 व्यय हुए, सभी राशियाँ प्राप्त हो गई, आपको जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको लेजर बना के देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं छोटा सा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 100 रुपये वाले 5,000 ऋण पत्र लिख देंगे, 100 रुपये वाले 5,000 ऋण पत्र। कंपनी ने 100 रुपये वाले 5,000 ऋण पत्र निर्गमित किए हैं, को भी 10% प्रीमियम पर, यानी कि जो 100 रुपये का ऋण पत्र था, 100 रुपये का, उसमें 10 रुपया और जोड़ दिया, यानी कि प्रीमियम 110 रुपये में निर्गमित किया गया। यानी कि 100 रुपये का ऋण पत्र में 10% प्रीमियम, 100 रुपये का 10%, 110, सब मिला के 110 हो गया। अब क्या कह रहा है, आवेदन पर 25 रुपया मांगा जा रहा है, मतलब कि एप्लीकेशन पर जो पैसा मांगा जा रहा है 25 रुपीज, अब अलॉटमेंट पर पैसा मांगा जा रहा है, अलॉट शेष जो बैलेंस बच रहा है अलॉटमेंट पे, यानी कि टोटल 110 होना चाहिए। 110 में 25 रुपया आवेदन दे दिया, तो इसका मतलब जो शेष बच रहा है 85 रुपया अलॉटमेंट होगा। इस 85 रुपया अलॉटमेंट में 10 रुपया प्रीमियम भी शामिल है, 75 + 10 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे, 25, 20, 80 कितना हो जाएगा, 100, 5, 5, 10, 110। आवेदन पर 25, शेष क्या कह रहा था, आवंटन पर 110 में 25 माइनस कर दीजिए, 75, 85 आया। अब यहां पर 5,000 से गुणा कर देंगे, 1,25,000 आएगा, 25, 5, 125। अब यहां पर 75 का गुणा 5,000 से करेंगे, 75 का गुणा 5,000 से करेंगे, 3,75,000 आएगा, और 10 का गुणा 5,000 से करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। यहां पर आपको ध्यान देना है, सबसे पहले जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री के बाद आपको लेजर बनाना है, तो सबसे पहले कॉपी में लिख लीजिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेके लिमिटेड, जेके लिमिटेड कॉलम बनाएंगे, कॉलम आपका बनेगा डेट का, पार्टिकुलर का कॉलम, लेजर फोलियो का कॉलम, डेबिट अमाउंट
और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम बना लीजिए, इतना ही। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। आपको यहां पर ध्यान देना है, जर्नल एंट्री के बाद लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देना है, मैं यहां पर नरेशन नहीं लिख रहा हूं, नरेशन बोल दे रहा हूं। आराम से आप अपनी कॉपी में नरेशन लिख लेना, क्योंकि जगह कम बढ़ जाएगी। तो अभी लेजर, बहुत से लेजर बनेंगे इसमें, तो लेजर को भी बनाना जरूरी है। तो डेट ओट तो दिया नहीं है, तो पहली एंट्री हो जाएगी आवेदन की राशि प्राप्त करने पर। जब डेट नहीं दिया तो डेट नहीं लिखेंगे। पहली एंट्री हो जाएगी आवेदन की राशि प्राप्त करने पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 25 का गुणा 5000 से हुआ 25 पंचवा 125, 1,25,000 डेबिट में और 1,25,000 क्रेडिट में। नरेशन कर देंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर डिवेंचर। फिर से सुन लीजिए, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर डिवेंचर, मतलब कि 5000 ऋण पत्रों पर 25 रुपया प्रति ऋण पत्र की दर से 1,25,000 रुपया प्राप्त हो चुका है। अब दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा डिवेंचर अकाउंट में हस्तांतरित करते हैं, मतलब ऋण पत्र एप्लीकेशन का पैसा, ऋण पत्र के आवेदन का पैसा ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करते हैं। इसके लिए एंट्री होगी 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन होगा, बीइंग 6% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 6% डिवेंचर अकाउंट। कितना पैसा? 1,25,000, वही आवेदन का पैसा हम लिख देंगे 1,25,000 और 1,25,000। आवेदन की एंट्री कर ली है, अब करते हैं आवंटन की एंट्री, वो भी प्रीमियम सहित। देखो आवंटन है 85 रुपया, 75 रुपया इसमें पूंजी मतलब कि ऋण पत्र का है और 10 रुपया क्या है प्रीमियम का है। तो करेंगे 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नरेशन होगा, बीइंग 6% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, बीइंग 6% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर 75 रुपया किसका है? 75 का गुणा 5000 से जब करेंगे तो आ जाएगा 3,75,000 रुपया। 3,75,000 रुपया आपका डिवेंचर के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद बचा हमारा 10 रुपया, 10 का गुणा 5000 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50,000, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4,25,000। अलॉटमेंट में पैसा हमने मांग लिया। नरेशन हमें क्या करना है, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूड प्रीमियम सहित ड्यू किया हमने, मांगा है, तो अब क्या होगा, मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 4,25,000 डेबिट में कर देंगे और 4,25,000 क्रेडिट में कर देंगे। हमने देखो यहाँ पर पैसा बाहर कर दिया, तो यहाँ पर आप लिखिए 3,75,000 और यहाँ पर लिखिए 50,000। चार एंट्रियाँ आपकी हो गई। अब पांचवी एंट्री होती है ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय हुआ है, डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस हुआ है। जैसे हम ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं, बाजार में बेचने जाते हैं, तो उसके संबंध में हमें अपनी तरफ से कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है, जिसे ऋण पत्रों के निर्गमन का व्यय कहते हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी,
ऐसा लिख लीजिएगा बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूड प्रीमियम। नरेश अब होगा ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय 6%, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू 6%, डिबेंचर अकाउंट कितना 1200। नरेशन होगा बीइंग डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस अमाउंट पेड। अब एंट्री आपको यहां पर ध्यान देना है, एक एंट्री होगी अगर एक तरफ से कंपनी को फायदा हो रहा है और दूसरी तरफ से घाटा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम है, कंपनी ज्यादा पैसा 50,000 ज्यादा प्राप्त कर रही है, एक कंपनी का फायदा माना जाएगा। 1200 रुपया कंपनी ज्यादा खर्चा कर रही है, जब कंपनी 1200 रुपया खर्चा कर रही है उसके पीछे, तो इस फायदे से इसकी इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। जब राइट ऑफ कर देंगे तो इसके लिए एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आपका होगा 50,000 से डेबिट कर दीजिए, उसके बाद लिख देंगे 6% डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस। 6% डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस कितना हो रहा है 1200 रुपया। इस 50,000 से 1200 रुपया डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ कर दिए, मतलब इसी में से घटा देंगे, जो पैसा बचेगा उसे कैपिटल रिजर्व में हस्तांतरित कर देते हैं। लिख देते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसके लिए नरेशन आप लिख लीजिए, इसके लिए नरेशन होगा बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ एंड वैलेंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए लिख लीजिए बीइंग 6% डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ ऑन, उसके बाद लीजिए ऑन बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहां पर देखिए 1200 होगा, यहां पर कैपिटल रिजर्व में 48,800 रुपया हो जाएगा। अब इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं लेजर कैसे बनता है, तब तक इसको आप लिख लीजिए। अब आप सभी को बताने जा रहे हैं लेजर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में कॉलम बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से लेजर बनेंगे, आवश्यक खाते प्रश्न में बोल रहा है। जब प्रश्न में आवश्यक खाते बोल रहा है तो सबसे पहले कैश अकाउंट बनाते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बना लेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बना लेंगे, इस जर्नल के अमाउंट को आप लोग जोड़ लीजिएगा, टोटल कर लीजिएगा। अमाउंट का कॉलम, पार्टिकुलर का कॉलम, डेट का कॉलम, जेएफ का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, पार्टिकुलर का कॉलम और डेट का कॉलम। जैसा कि आपको पहले ही बताया है, डेबिट बायां पक्ष, क्रेडिट दाहिना पक्ष, लिखा जाएगा डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर, जेएफ नहीं लिखा हमने, जेएफ जेएफ अमाउंट। ध्यान दीजिएगा बैंक अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, बैंक कहाँ कहाँ पर दिया गया है इसको हम लोग ध्यान देंगे। बैंक कहाँ कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक गलती होगी छोटी सी, यहाँ पर आप लिखिए बैंक पेड किया गया है, लिखा होगा बोला होगा हमने बैंक ही, लेकिन लिख दिया डिबेंचर। तो यहां पर ध्यान दीजिए पहली एंट्री में बैंक, चौथी एंट्री में बैंक और पांचवी एंट्री में बैंक आपको दिख रहा है। पहली एंट्री में बैंक है, देखो बैंक डेबिट में लिखा है, बैंक अकाउंट बना रहे हैं। जब बैंक डेबिट में लिखा है तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन अपोजिट वाले का नाम मतलब क्रेडिट वाले का नाम लिखते हैं, लिख देंगे 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट वाले का नाम 1,25,000 डेबिट में लिख दीजिए। अगला है बैंक डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट वाले का नाम 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना है 4,25,000।
अगला है बैंक क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन पड़ोसी वाले मतलब डेबिट वाले का नाम लिखेंगे, बाई डिवेंचर 6% डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस 1200। दोनों पक्षों को जब जोड़ते हैं, जब जोड़ लेते हैं तो पता लगता है 4,15,00,000, 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000 क्रेडिट में लिख देंगे। देखो फिर से सुनिए, बैंक डेबिट में है तो डेबिट में, लेकिन क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे, तो देखो हमने क्रेडिट वाले का नाम पहले में लिख दिया। अगले में बैंक क्रेडिट डेबिट में है तो डेबिट में, लेकिन क्रेडिट वाले का नाम लिख दिया डेबिट में। उसके बाद अगला बैंक क्रेडिट में है तो क्रेडिट लिखेंगे, लेकिन डेबिट वाले का नाम, जहां बैंक है वहीं लिखेंगे, डेबिट में तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन उसके पड़ोसी यानी क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे। जब दोनों पक्षों को बराबर करते हैं तो पता लगता है 5,48,800 आपका बैलेंस निकल के आता है, बाई बैलेंस कैरेट डाउन निकल के आता है। इतना 5,48,800 आंसर देख लीजिए, आंसर आपका आ रहा है 5,48,800। अगला एंट्री होगी, अगला लेजर बनेगा डिवेंचर। देखो अब यहीं पर डिवेंचर एप्लीकेशन मिल रहा है, दो डिवेंचर एप्लीकेशन है तो डिवेंचर एप्लीकेशन बना लीजिए। जितने नाम दिए गए हैं उतने अकाउंट बनेंगे, तो यहां पर बनेगा 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कॉलम वही बनेगा, डेट का, पार्टिकुलर का, जेएफ का, अमाउंट का, डेट का, पार्टिकुलर का, जेएफ का, अमाउंट का। देखिए मित्रों, डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट में है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन डेबिट वाले का नाम, तो इसके लिए लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट कितना 1,25,000। डिबेंचर एप्लीकेशन, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बना रहे हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन डेबिट वाले का नाम लिख दिया, क्रेडिट में था क्रेडिट में लिखा, लेकिन डेबिट वाले का नाम लिखा। अब यहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन इस नाम पड़ोसी वाले का होगा, तो 6% डिबेंचर अकाउंट कितना होगा 1,25,000। आप लोग कॉलम में नाम लिख लीजिएगा पूरा, दोनों पक्ष बराबर है, डबल लाइन खींच दीजिए, काम खत्म। अब अगला बन जाएगा 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अगला बन जाएगा 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर देखिए अलॉटमेंट कहां कहां दिख रहा है, एक अलॉटमेंट, दो अलॉटमेंट दिख रहा है तीसरी एंट्री में और चौथी एंट्री में। कह रहा अलॉटमेंट डेबिट में है तो डेबिट में लिखा जाएगा, पोस्टिंग डेबिट में होगी लेकिन पड़ोसी वाले का नाम होगा, लिखा जाएगा 6% डिबेंचर अकाउंट कितना 3,75,000 रुपया डेबिट में लिख दीजिए। दो डेबिट का दोनों पड़ोसी होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 50,000 रुपया हो जाएगा। अब यहां पर देखिए डिबेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट बाई बैंक 4,25,000, दोनों पक्ष देखो 4,25,000 जोड़ेंगे तो आएंगे, तो 4,25,000 और 4,25,000। देखो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट में है तो डेबिट में लिखा, लेकिन पड़ोसियों दोनों पड़ोसियों का नाम मतलब क्रेडिट वाले का नाम बदल दिया जाता है, अपोजिट लिखा जाता है। अगला है 6% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट बना दीजिए, फर्स्ट कॉल अकाउंट बना देंगे, डेट का कॉलम पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेबिट दायना पक्ष क्रेडिट। फर्स्ट कॉल कहाँ कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट कॉल है नहीं, हम गलती कर दिए, फर्स्ट कॉल नहीं लिखना चाहिए था हमको, क्योंकि इस प्रश्न में फर्स्ट कॉल दिया ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिया था, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट बना दीजिए, डिवेंचर 6% डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, 6% डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट आपको बनाना है। तो डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ है, ये वाली एंट्री में है और ये वाली एंट्री में है। देखिए डेबिट में है तो डेबिट में, लेकिन पड़ोसी वाले का नाम लिख देंगे, 2 बैंक अकाउंट 1200। अगला क्या है, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, इस क्रेडिट
का पड़ोसी कौन होगा? डेबिट होगा। इस पर इस क्रेडिट का पड़ोसी ए नहीं होगा, क्रेडिट वाला ही नहीं होगा, ए डेबिट वाला होगा, मतलब क्रेडिट का डेबिट वाला। तो लिखा जाएगा बाई सिक्योरिटी प्रीमियम 1200। ऑटोमेटिक 1200 अकाउंट क्लोज कर दिया गया, कोई बैलेंस निकल के नहीं आया। अब यहाँ पर आपका बनेगा, अब यहाँ पर आपका बनेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अब यहाँ पर आपका बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बना देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के लिए वही कॉलम, कॉलम कुल वही रहेगा। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ है? क्रेडिट में है ना, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे लेकिन डेबिट वाले का नाम। बाई 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? तो इसी सामने वाला पैसा लिखा जाएगा 50,000 रुपया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ है? डेबिट में है, तो डेबिट में लिखा जाएगा, डेबिट में है तो डेबिट में लिखा जाएगा, लेकिन अपोजिट वालों का नाम लिखा जाएगा। अपोजिट मतलब, अपोजिट वालों का नाम मतलब, डेबिट में है तो डेबिट में, ए वाला नाम ए वाला नाम। 6% डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, 2 कैपिटल रिजर्व 1248,800। दोनों पक्ष बराबर कर दीजिए, 50,000 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम को एक बार फिर समझ लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखा, लेकिन डेबिट वाले का नाम, देखो पैसा ही लिखा जाएगा 50,000। और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट में है तो डेबिट में लिखा जाएगा, लेकिन क्रेडिट वाले का नाम लिख दिया, क्रेडिट वाले में दो नाम है, दोनों को लिख दिया, दोनों पक्षों को बराबर कर दिया, तो आपका आंसर निकल के आ गया 50,000, दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसके अलावा अभी एक अकाउंट बनता है, डिबेंचर अकाउंट बनता है, इसमें डिबेंचर अकाउंट भी बनता है, तो उस डिबेंचर अकाउंट को भी हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इतना बनाएं उसे डिबेंचर अकाउंट को भी बना लेते हैं। 6% डिबेंचर अकाउंट, देखिए साथियों 6% डिबेंचर अकाउंट कैसे बनेगा। तो 6% डिबेंचर एक है, एक है यहाँ पर और यहाँ पर और नहीं है, दो जगह है बस, एक दो। 6% डिबेंचर क्रेडिट में है, क्रेडिट में, लेकिन पड़ोसी वाले का नाम लिखा जाएगा। बाई 6% डिबेंचर एप्लीकेशन 1,25,000। अगला अलॉटमेंट में देखो, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, लेकिन नाम डेबिट वाले का नाम लिखा जाएगा। बाई 6% डिबेंचर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 3,75,000 रुपया, 3,14,00,000, 5,00,000 हो जाएगा, 5,00,000 हो जाएगा, निकल के आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, 5,00,000 हमारा निकल के आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस वीडियो में इतना ही, अब आगे की वीडियो आपको लगातार उपलब्ध होती रहेंगी। अब आपको मिलेंगे नई वीडियो में।